7. A Day in the Greens. A Day in the Greens extract है जिसे एक बहुत अच्छी नॉवल हाइडी से लिया है। तो हाइडी जोहाना स्पाइली ने लिखी थी। उनको सिर्फ 4 वीक्स लगे थे ये पूरी नॉवल कंप्लीट करने में। इस नॉवल में हाइडी और पीटर का एडवेंचर दिखाया है। Names and about characters. ये हाइडी है, एक ऑर्फन गर्ल है, अपने ग्रैंडफादर के साथ स्विट्जरलैंड में रहती है। ये हाइडी के ग्रैंडफादर है। ये पीटर है और ये शेफर्ड बॉय है। ये अर्सला है, हाइडी की केयरटेकर। ये डेफ है और हमेशा ठंड से कांपती रहती है। श्वाली एंड बाली गोट्स हैं। हाय जी, चलो उठाओ अब। एक लाउड पिस्टल की आवाज सुनकर हाइडी जल्दी सुबह उठ जाती है। वो रियलाइज नहीं कर पाती कि वो कहाँ है, पर अपने ग्रैंडफादर की डीप वॉइस सुनकर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो कैसे आई थी यहाँ पर। उसे याद आता है कि वो अपनी केयर टेकर अर्सला, जिसे सुनाई नहीं देता था और ठंड से कांपती रहती थी, इसलिए हमेशा स्टोव के आगे बैठी रहती थी, वो उसे यहाँ लेकर आई थी। क्योंकि अर्सला डेफ थी, इसलिए वो हाइडी को हमेशा घर के अंदर रखती थी और हाइडी का हमेशा मन करता था कि वो बाहर जाए और घूमे। अब वो अपने ग्रैंडफादर के घर है तो वो खुश है कि वो बाहर घूम सकती है। हाइडी गोट्स को दोबारा देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए वो जल्दी से लैडर से नीचे आ गई। पीटर वहाँ पहले से ही अपनी गोट्स के साथ होता है। वो श्वाली एंड बाली का वेट कर रहा होता है। ग्रैंडफादर श्वाली एंड बाली को दूसरी गोट्स को ज्वाइन करने के लिए लेकर आ रहे होते हैं। ग्रैंडफादर हाइडी से पूछते हैं, हाइडी क्या तुम भी पिस्टल के साथ जाना चाहती हो? तो हाइडी एक्साइटेड वे में बोलती है, यस ग्रैंडफादर। तो जाओ जल्दी से जाके नहा लो, वरना सन तुम्हें डर्टी देख के तुम पर हंसेगा। हाइडी ग्रैंडफादर का कहना मानकर नहाने चली जाती है और वो ये बात दिमाग में रखकर नहाती है कि सन उस पे हंसे ना, इसलिए वो अपने आप को इतना रब करती है कि उसकी चीक्स ग्लो करने लग जाती हैं। जब तक हाइडी नहा रही होती है, तब तक ग्रैंडफादर पीटर के बैग में ब्रेड और चीज रख देते हैं, क्योंकि उसके बैग में इनफ फूड नहीं था दोनों के लिए। ये बाउल भी रख लो अपने साथ, क्योंकि उसे गोट से दूध पीना नहीं आता ना, तो तुम इस बाउल में उसके लिए दूध निकाल के रख देना। हाइडी का पूरा ध्यान रखना, कहीं वो पत्थरों के ऊपर से लुढ़क के नीचे ना गिर जाए, समझ में आ गया ना? तभी हाइडी वहां भागती भी आती है और कहती है, ग्रैंडफादर अब तो सन मुझ पे नहीं हंस सकता ना? ग्रैंडफादर स्माइल करते हुए कहते हैं, नहीं अब नहीं हंस सकता, पर जब वापस आ जाओगी घूमकर, तब टब में जाकर नहा लेना। हाइडी ने अपने आप को इतना वॉयलेंटली क्लीन कर लिया था कि वो रेड नजर आने लगी थी। हाइडी और पीटर खुशी खुशी माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए निकल पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे क्लाउडलेस डीप ब्लू स्काई उन्हें देख रहा हो। फ्रेश ग्रीन माउंटेन्स चमकती हुई धूप में नहाए हुए लग रहे थे। प्रिम रोजेस और जेंटियान को देखकर हाइडी बहुत खुश होती है। वो इतनी खुश थी कि ऐसा लग रहा था उसे खजाना मिल गया हो। हाइडी खुशी से इधर उधर भागने लगी और पीटर और गोट्स को भी भूल गई। वो उन फ्लास्क को अपने एप्रन में कलेक्ट करने लगी। पीटर हाइडी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था और जो उसकी गोट्स थी
वो तो उसे बहुत परेशान कर रही थी। वो बार बार इधर उधर स्कैटर हुई हुई थी। तो पीटर जब विसल बजा रहा था या अपनी रॉड को हिला रहा था, तभी वो एक जगह इकट्ठा हो रही थी। तो उसे बहुत मुश्किल आ रही थी हाइडी को ढूंढने में। तो इसलिए वो जोर से गुस्से में कहता है, हाइडी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ पीटर। ग्रैंडफादर ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था, अब तुम मेरे साथ ही रहना। गोट्स कहाँ हैं? हाइडी पूछती है। उस तरफ हैं। अभी हमें और ऊपर जाना है, चलो जल्दी चलो। अगर तुम जल्दी चलोगी तो क्या पता ऊपर हमें ईगल और उसकी आवाज सुनने को भी मिल जाए। ये सुनकर हाइडी पीटर के साथ खुशी खुशी चली गई। पीटर हाइडी के एप्रन में इतने सारे फ्लावर्स देख के कहता है, बहुत सारे फ्लावर्स तोड़ लिए तुमने, अगर तुम और फ्लावर्स पिक करोगी तो कल के लिए नहीं बचेंगे। हाँ पीटर, तुम सही कह रहे हो। जब वो टॉप हिल पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आसमान बहुत पास है उनके। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो पीटर इतना थका हुआ होता है कि वो बस अपना बैग निकालकर एक गड्ढे में रख के और सो जाता है। वो अपना बैग गड्ढे में इसलिए रखता है क्योंकि वहां हवा चल रही होती है, जिससे हवा से उसका बैग उड़े ना। वहीं बैग के पास हाइडी अपना एप्रन रोल करके रख देती है। वहां से हाइडी को बहुत अच्छा नजारा दिखा। ठंडी ठंडी हवा हाइडी को छू कर जा रही थी, तो हाइडी को बहुत अच्छा लग रहा था। माउंटेन टॉप उसे फेसेस की तरह दिखाई दे रहे थे। अचानक उसे तेज शार्प चीखने की आवाज सुनाई दी। जब हाइडी ध्यान से देखती है तो उसे दिखता है कि एक बड़ी सी ईगल उनके सर के ऊपर चक्कर लगा रही होती है। पीटर उठो, पीटर देखो ईगल। हाइडी और पीटर ईगल को देखते रहते हैं और देखते ही देखते ईगल माउंटेन पीक के पीछे डिसअपीयर हो जाती है। पीटर, ईगल कहाँ चली गई? वो अपने नेस्ट गई है हाइडी। चलो ना पीटर, और ऊपर चढ़ते हैं और ईगल का नेस्ट देखते हैं। पीटर का जाने का मन नहीं कर रहा होता है, तो इसलिए वो बहाना मार के कहता है, भाई मुझे ग्रैंडफादर ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है, और वैसे भी गोट्स थोड़े ही ऊपर चढ़ सकती हैं। पीटर विसल ब्लो करके गोट्स इकट्ठा करता है। हाइडी वहां पर गोट्स के साथ खेलती है और पीटर अपने लिए और हाइडी के लिए डिनर प्रिपेयर करता है।